हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टेट टेबल सेकेंड सोशल साइंस का पेपर जो 19 दिसंबर 2016 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन फर्स्ट संप्रदान कारक, ऑप्शन सेकेंड अपादान कारक, ऑप्शन थर्ड करण कारक, ऑप्शन फोर्थ संबंध कारक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने आदि का भाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर चूहा जो है वो बिल से बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन फर्स्ट आ, ऑप्शन सेकेंड अत, ऑप्शन थर्ड अति, ऑप्शन फोर अत्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड अति। अति धन आचार जो होता है वो अत्याचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार? बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। ऑप्शन फर्स्ट उपमा और रूपक, ऑप्शन सेकेंड यमक और श्लेष, ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ऑप्शन फोर अनुप्रास और यमक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ जनहु जानो मनहु मानो जैसे शब्द आए, और यहाँ पर आया भी हुआ है, जैसे कि बल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ये मानो की वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ल वर्ण की आवृत्ति जैसे विशाल विकराल ज्वाल जाल, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट विभाव, ऑप्शन सेकेंड अनुभाव, ऑप्शन थर्ड स्थायी भाव, ऑप्शन फोर्थ संचारी भाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विभाव। रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, कौन सा रस है? ऑप्शन फर्स्ट करुण, ऑप्शन सेकंड भयानक, ऑप्शन थर्ड श्रृंगार, ऑप्शन फोर्थ शांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ शांत। यहाँ पर जो है वो शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन फर्स्ट राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन सेकेंड राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन थर्ड राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा, ऑप्शन फोर राम ने एक थैला और दो पुस्तक खरीदे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन फर्स्ट महाधन उत्सव, ऑप्शन सेकेंड महोधन उत्सव, ऑप्शन थर्ड महोधन सव, ऑप्शन फोर महीधन उत्सव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन फर्स्ट संप्रदान कारक, ऑप्शन सेकेंड अपादान कारक, ऑप्शन थर्ड करण कारक, ऑप्शन फोर्थ संबंध कारक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने आदि का भाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर चूहा जो है वो बिल से बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन फर्स्ट आ, ऑप्शन सेकेंड अत, ऑप्शन थर्ड अति, ऑप्शन फोर अत्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड अति। अति धन आचार जो होता है वो अत्याचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार? बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। ऑप्शन फर्स्ट उपमा और रूपक, ऑप्शन सेकेंड यमक और श्लेष, ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ऑप्शन फोर अनुप्रास और यमक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ जनहु जानो मनहु मानो जैसे शब्द आए, और यहाँ पर आया भी हुआ है, जैसे कि बल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ये मानो की वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ल वर्ण की आवृत्ति जैसे विशाल विकराल ज्वाल जाल, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट विभाव, ऑप्शन सेकेंड अनुभाव, ऑप्शन थर्ड स्थायी भाव, ऑप्शन फोर्थ संचारी भाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विभाव। रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, कौन सा रस है? ऑप्शन फर्स्ट करुण, ऑप्शन सेकेंड भयानक, ऑप्शन थर्ड श्रृंगार, ऑप्शन फोर्थ शांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ शांत। यहाँ पर जो है वो शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन फर्स्ट राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन सेकेंड राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, ऑप्शन थर्ड राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा, ऑप्शन फोर राम ने एक थैला और दो पुस्तक खरीदे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन फर्स्ट महाधन उत्सव, ऑप्शन सेकंड महोधन उत्सव, ऑप्शन थर्ड महोधन सव, ऑप्शन फोर महीधन उत्सव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमासा में समास है। ऑप्शन फर्स्ट द्विगु समास, ऑप्शन सेकंड द्वंद समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर्थ तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट द्विगु समास। चौमासा में जो समास है वो द्विगु समास है। द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई शब्द जो हो संख्यावाचक हो। द्वंद समास वहाँ पर होता है जहाँ पर और चिन्ह का लोप हो। और कर्मधारय समास वहाँ पर होता है जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण का ज्ञान, ऑप्शन सेकंड सुंदर लेख, ऑप्शन थर्ड विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ऑप्शन फोर रसायनों का ज्ञान होना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर रसायनों का ज्ञान होना। ये भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। रसायन का ज्ञान होना ये विज्ञान के शिक्षक के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन भाषा के शिक्षक को रसायन विज्ञान का ज्ञान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट चित्र दिखाकर, ऑप्शन सेकंड वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, ऑप्शन थर्ड मॉडल दिखाकर, ऑप्शन फोर ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर ये सभी। गद्य शिक्षण में जो भी कठिनाई हुई है उसको हम निवारण तीनों तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो हम उसका चित्र दिखा दें, या कोई वस्तु जो है उपलब्ध हो उसका वस्तु को प्रत्यक्ष कर रूप से दिखा दें। जैसे कि हमें सेब दिखाना है तो हम सेब को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट उसका मॉडल बनाकर दिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट जिसे छात्र सरलता से समझ सके, ऑप्शन सेकंड जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, ऑप्शन थर्ड जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ऑप्शन फोर जिनमें नीति हास्य वीरता देशभक्ति जैसे भावनाएँ निहित हों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड जो कविताएँ अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो वो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें पता नहीं होती हैं। उनको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो उनको समझ में आए, जिसमें हास्य रस हो वीरता का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट भगवत सरण उपाध्याय, ऑप्शन सेकेंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन थर्ड डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन फोर्थ डॉक्टर हरदेव बाहरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सिखाने का सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सेकंड श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन थर्ड बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, ऑप्शन फोर श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि LSRW। एल यानी लिसनिंग, एस यानी स्पीकिंग, आर यानी रीडिंग और डब्ल्यू यानी कि राइटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ढंग, ऑप्शन सेकंड शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन थर्ड लेखनी पकड़ने का ढंग, ऑप्शन फोर आंखों से कागज की दूरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण का संबंध लेखन से नहीं है, जबकि इसका संबंध जो है वो पाठन से है। बाकी तीनों जैसे कि बैठने का उचित ढंग, लेखनी पकड़ने का तरीका, आंखों से कागज की दूरी, ये सभी लिखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लगती अरु कामरिया पर रास्ती हूँ पुर को ताजी डारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन फर्स्ट सूरदास, ऑप्शन सेकंड नंददास, ऑप्शन थर्ड रसखान, ऑप्शन फोर मीराबाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड रसखान। ये पंक्तियाँ जो हैं ये रसखान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास एवं विविच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन फर्स्ट वरदान यानी कि रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, ऑप्शन सेकंड सेवा सदन गणिका समस्या विवाह एवं विवाह संबंधित समस्या पर, ऑप्शन थर्ड प्रेमाश्रय कृषक जीवन की समस्याओं पर, ऑप्शन फोर कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वरदान जो है ये असंगत है, जो कि रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन फर्स्ट भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सेकंड सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन फोर बालकृष्ण भट्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध रच है वो है आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट प्रकृति से प्राप्त, ऑप्शन सेकंड पुरखों से प्राप्त, ऑप्शन थर्ड मित्रों से प्राप्त, ऑप्शन फोर मूल देकर खरीदा हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड पुरखों से प्राप्त। जो संपत्ति हमें पुरखों से प्राप्त होती है उसे हम विरासत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्बल का विलोम शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट सुदृढ़, ऑप्शन सेकंड सबल, ऑप्शन थर्ड बाहुबली, ऑप्शन फोर समुन्नत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड सबल। निर्बल का विलोम सबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कैसे माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट नूतन ब्रह्मचारी,
ऑप्शन सेकंड तितली, ऑप्शन थर्ड त्यागपत्र, ऑप्शन फोर परीक्षा गुरु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं और इसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन फर्स्ट बनारस, ऑप्शन सेकंड दिल्ली, ऑप्शन थर्ड लखनऊ, ऑप्शन फोर्थ जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड लखनऊ। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कटहल, ऑप्शन सेकंड कड़वा, ऑप्शन थर्ड कास्टगिरी, ऑप्शन फोर कंठफल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड कास्टगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द है ऑप्शन फर्स्ट अंधेरा, ऑप्शन सेकंड प्रकाश, ऑप्शन थर्ड रात्रि, ऑप्शन फोर्थ चंद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अंधेरा। अंधेरा जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द है जैसे कि रात्रि, प्रकाश, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख एक नहीं कजरौटा दस दस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट व्यर्थ आवडंबर, ऑप्शन सेकंड आँखों में काजल लगाना, ऑप्शन थर्ड आँख की देखभाल करना, ऑप्शन फोर्थ ला इलाज बीमारी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट व्यर्थ आडंबर। जहाँ कहीं भी व्यर्थ आडंबर होता है वहाँ पर ये लोकोक्ति फिट है कि आँख एक नहीं और कजरौटा दस दस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन फर्स्ट रात, ऑप्शन सेकंड बात, ऑप्शन थर्ड गीत, ऑप्शन फोर मात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड गीत। गीत जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों रात, बात, मात ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राम, ऑप्शन सेकंड सुरेश, ऑप्शन थर्ड निर्वाह, ऑप्शन फोर मित्रता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर मित्रता। मित्रता जो है ये यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, जबकि बाकी दोनों राम और सुरेश ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा घर इसी शहर में है, इसी में कौन सा विशेषण? ऑप्शन फर्स्ट गुणवाचक, ऑप्शन सेकंड सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन थर्ड संख्यावाचक, ऑप्शन फोर्थ परिमाण बोधक विशेषण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड सार्वनामिक विशेषण। इस जो है यहाँ पर सर्वनाम है इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पर किसी के गुण की बात नहीं हो रही इसलिए गुणवाचक नहीं होगा। अगर संख्या की बात होती तो यहाँ संख्यावाचक होता, और अगर परिमाण किसी चीज़ का बताया जाता कि कोई चीज़ कितनी है तो वहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट सरल वाक्य का, ऑप्शन सेकंड इच्छावाचक वाक्य का, ऑप्शन थर्ड मिश्र वाक्य का, ऑप्शन फोर आज्ञावाचक वाक्य का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड मिश्र वाक्य का। यहाँ पर पिता ने समझाया कि यहाँ पर जुड़ने से ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? ऑप्शन फर्स्ट उपकार करने वाला, ऑप्शन सेकंड उपकार कराने वाला, ऑप्शन थर्ड किए हुए उपकार को न मानने वाला, ऑप्शन फोर किए हुए उपकार को मानने वाला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ करते हैं और किए हुए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन फर्स्ट श्रृंगार, ऑप्शन सेकंड श्रृंगार, ऑप्शन थर्ड श्रृंगार, ऑप्शन फोर्थ श्रृंगार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट श्रृंगार जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।